नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। और मैं हूं कुशल गुप्ता। तो आशीष, कैसा लग रहा है माहौल? कल तो बहुत ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली थी मार्केट्स में। इनफैक्ट अगर आप एक साल की बात करेंगे पिछले, ओवरऑल आप देखिए निफ्टी पर्टिकुलरली में पिछले एक साल में तीसरी सबसे बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। पर कहीं ना कहीं अब जो सेंटिमेंट बन रहा है, आपको कैसा लग रहा है ग्लोबली? कुशल, सबसे पहले एसजेएक्स निफ्टी देखते हैं, उससे समझ में आएगा कि संकेत कैसे है। एसजेएक्स निफ्टी को आपके सामने रखते हैं और देखिए, खास बात यह कि आधे परसेंट की बढ़त इंडिकेट कर रहा है एसजेएक्स निफ्टी। 12113 के स्तर पर है, ना कि सिर्फ 12,000 के ऊपर, 12,100 के ऊपर चल रहा है 65 अंकों की बढ़त के साथ। ये काफी पॉजिटिव देखना होगा। और यहां से अगर प्राइमरी संकेत हम देखें तो यही समझ में आ रहा है कि कल की तेज गिरावट के बाद आज कहीं ना कहीं आपको एक बाउंस या फिर आप समझ लीजिए कि निचले स्तरों से रिकवरी जरूर देखने को मिल सकती है। लेकिन कुशल से जानते हैं कि अमेरिकी बाजार कैसे इंडिकेशंस दे रहे हैं, वहां पर कैसा रुझान बना हुआ है? आशीष देखिए, अमेरिकन मार्केट जो है ना, वो काफ़ी मतलब एक होता है ना कि अपने एंड पे कभी प्लस हो रहे हैं, कभी माइनस हो रहे हैं। पर आप देखिए, कल के सत्र में इनका जो मूवमेंट था वो काफ़ी बढ़त के साथ बढ़ता हुआ, ओवरऑल इंक्रीजिंग ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कल डाउ जोन्स का चार्ट देखेंगे तो शुरुआती सत्र में जब बाजार खुले थे तो 200 अंकों की गिरावट के साथ ये खुले थे, पर उसके बाद पूरे दिन के दौरान ये लगातार बढ़ता हुआ नजर आया और अंत में एक स्पाइक आपको डाउ जोन्स में देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अमेरिकी मार्केट में भी रिकवरी के जो संकेत है ना, वो साफ साफ नजर आ रहे हैं। साथ ही हमें अब ये देखना होगा कि जो कच्चा तेल है, जो कल जो है $70 के पार हुआ था, अब देखिए वो थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। 68.45 का लेवल्स आपको क्रूड में अब देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव संकेत है, अमेरिकन मार्केट, और साथ साथ कच्चे तेल में जो उबाल था वो कहीं ना कहीं अब ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सब ओवरऑल सेंटिमेंट से मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, कल जैसे मैंने निफ्टी में प्रिडिक्ट किया था कि करीब 150-200 अंकों की गिरावट आ सकती है, पर अब देखिए यहां पर आपको पॉजिटिविटी आज के सत्र में बनती हुई नजर आ सकती है। निफ्टी वापस से डेफिनेटली, जैसा कि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कि बाउंस बैक कर सकता है। बिल्कुल कुशल, लेकिन क्या रणनीति होगी, बाय ऑन डिप्स की सेल ऑन राइज? अभी जो स्ट्रैटेजी मुझे लग रही है, कहीं ना कहीं कल मैंने जो 5 निफ्टी के स्टॉक्स कॉल दिए थे जहां पे शॉर्ट कॉल थे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट मोमेंटम नेगेटिव नजर आ रहा था, पर अब जो बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जितनी भी कल गिरावट हुई थी वो कहीं ना कहीं बाउंस बैक होगी, तो आपको खरीदारी करनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अभी भी सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी को ही अपनाना चाहिए। कारण यह है कि अनिश्चितता खत्म नहीं हुई है। देखिए, थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है और एक वो स्वाभाविक है, लेकिन एक बाउंस आना, लेकिन जो अनिश्चितता है वो बरकरार है। चलिए आज की सूची के साथ शुरुआत करें, इससे पहले एक ट्रेडिंग चेक ले लेते हैं। कल हमने आपको स्टॉक बताया था, 20 स्टॉक्स बताए थे, वहां पर कैसा प्रदर्शन देखने को मिला? और आप देखिए, मैंने आपको 10 स्टॉक्स बताए थे, वहां पर एलएनटी को छोड़कर बाकी सभी ने काफी बढ़िया प्रदर्शन दिया और किसी में भी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग नहीं थी, मेजोरिटी मेरी सेल कॉल थे। और वहां पर आप देखिए एचपीसीएल 7% की गिरावट यहां पर देखने को मिली, बीपीसीएल 3% लुढ़क कर बंद हुआ, आईओसी करीब 1.5% की गिरावट देखने को मिली। साथ ही कुछ और स्टॉक्स थे, इंडिगो में भी देखिए करीब 2.5% की गिरावट के साथ ये बंद हुआ। कॉन्कॉर का जो स्ट्रक्चर है काफी वीक नजर आ रहा था, इसका असर आपको देखने को मिला और करीब 1.5% की गिरावट के साथ ये बंद हुआ। फेडरल बैंक लगातार इस स्टॉक को हम शो में डिस्कस करते हैं, इसके वीक स्ट्रक्चर को, और आप देखिए लगभग 4% की गिरावट के साथ ये बंद हुआ। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने ट्रेंड लाइन जो थी उसके नीचे ब्रेकडाउन दिया और 5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। सेलान एक्सप्लोरेशन में खरीदारी की सलाह थी, यहाँ पर दिन के दौरान लक्ष्य हासिल होते नजर आए और टाइटन के जो बिक्री आंकड़े आए थे इसका आपको असर देखने को मिला और लगभग 2% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। बिल्कुल, बेहद शानदार परफॉर्मेंस आशीष। इनफैक्ट आपने कल गिरावट के बाजार में भी जो बाई कॉल दिए थे वो भी बढ़िया परफॉर्म करते हुए नजर आए। चलिए अब मेरी सूची की बात करते हैं, मैंने जितने भी स्टॉक्स रेकमेंड किए थे वो सभी परफॉर्म करते हुए नजर आए, जिसमें बजाज फाइनेंस और SBI सबसे बड़ी जो निफ्टी की कंपनियां हैं, वहां पर आप देखिए एक बेहद गिरावट का माहौल बना रहा। इनफैक्ट SBI सबसे सरप्राइजिंग था कल, मैं 2-3% की गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा था, 4.5% की गिरावट यहां पर देखने को मिली। साथ ही आप मेटल काउंटर देखिए, हिंडालको, JSW जैसे शेयरों में भी लक्ष्य हासिल होते हुए नजर आए। इसके अलावा और जो स्टॉक्स मैंने आपको रेकमेंड किए थे, आप देखिए हाई बीटा स्टॉक हैवेल्स इंडिया बताया था, यहां पे भी 2.5% की गिरावट दिखी। और क्रूड का जो उबाल कल के सत्र में हमें देखने को मिला था, उसकी वजह से पेंट स्टॉक्स भी फोकस में रहे, यहां पे भी गिरावट का रुझान हमें देखने को मिला। बर्जर पेंट्स करीब 4% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। साथ ही RBL बैंक आप देखिए 6% की गिरावट यहां पे दिखी। और एक आउटलायर था फोर्स मोटर, मेरी एक ही खरीदारी का कॉल था, यहां पर 11% की इंट्राडे तेजी हमें देखने को मिली, बढ़िया नंबर्स आए थे। और टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, यहां पे भी 2% की गिरावट रही।
बिल्कुल कुशल, काफी बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला क्योंकि बाजार देखिए ट्रेंडिंग था और ट्रेंडिंग बाजार में जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज होती है ना वो एम्पलीफाइंग होती है, वो काफी बढ़िया होती है क्योंकि स्टॉक जो है डायरेक्शन में चलते हैं। चलिए आज के सत्र में भी ऐसी उम्मीद है कि ट्रेंड जो है बरकरार रहेगा, हालांकि अब थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ है। तो शुरुआत कर लेते हैं आज के स्टॉक्स के साथ और मेरी सूची में पहला नाम आता है, थोड़ा भारी भरकम स्टॉक है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज का। देखिए काफी बढ़िया खबरों का रुझान बना हुआ है, लगातार हम देख रहे थे। कल यहां पर खबर आते हुए दिखी थी कि सैमसंग के लिए ये एलईडी टीवी मैन्युफैक्चर करते नजर आएंगे, साथ ही आज आ रही है कि जो चाइना की कंपनी है वन प्लस, इनके लिए भी अब ये टीवी पैनल जो है वो मैन्युफैक्चर करेंगे। देखिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में काफी दिग्गज नाम इनके पोर्टफोलियो में लगातार जुड़ते हुए जा रहे हैं, हो सकता है कि वन प्लस आ जाए, सैमसंग के साथ ये करार कर रहे हैं। साथ ही आप देखिए कि ये जो है शाओमी के लिए तो ऑलरेडी टीवी मैन्युफैक्चर करते ही हैं, तो एक भारत में एक जो स्ट्रांग कंपनी होगी जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इसका असर आपको डिक्सन टेक में जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि कल क्योंकि बाजार में मोमेंटम नहीं था, आइजन जो तेजी की तरफ जो स्टॉक्स थे वो ज्यादा खुलकर चल नहीं पा रहे थे, इसके लिए कल के दिन ये स्टॉक चला नहीं। आज जब ये खबर फिर से आ रही है तो मुझे लग रहा है कि ये जो कंटिन्यू रन जो दे रहा है स्टॉक वो यहाँ पर कंटिन्यू होते हुए नजर आएगा और यहाँ पर आप एक सेफ बेट खरीद सकते हैं। 4,100 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे और 3,895 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। साथ ही दूसरा स्टॉक है एस्टर डीएम हेल्थ केयर, ये भी लगातार मेरे रिडार पर बना रहता है। कारण यह है कि डेली चार्ज पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक बहुत बढ़िया राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, राउंडिंग बॉटम दरअसल होता क्या है, अक्यूमुलेशन होता है, यानी जब भी नीचे स्टॉक जाता है तब उसमें खरीदारी आती है और खरीदारी कंटिन्यूस होती है। अब यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट ब्रेकआउट जोन के पास पहुंच चुका है और इसी के साथ स्टॉक में खबर आती हुई दिख रही है कि कंपनी जो है अब बायबैक करने जा रही है और 9 जनवरी को कंपनी की बोर्ड बैठक है जिसमें बायबैक पर फैसला लिया जाएगा। आप देखिए कितने महत्वपूर्ण लेवल पर ये स्टॉक बंद हुआ, आप चार्ट पर देखेंगे तो समझ में आएगा। साथ ही ये खबर आना यानी ट्रिगर हो रहा है कि अब जो है ब्रेकआउट होने की पूरी संभावना और ये लंबे समय का कंसोलिडेशन है, यानी जो तेजी देखने को मिलेगी हो सकता है आज यहाँ पे 5-6% तक की तेजी देखने को मिले, लेकिन मैंने थोड़े कंजर्वेटिव लक्ष्य दिए हैं। 175 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं और सेफ साइड केवल 6 रुपये नीचे 160 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए मेरे स्टॉक्स की शुरुआत करते हैं जिसमें पहला जो नाम है वो बैंकिंग स्पेस से है, खासकर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से, HDFC बैंक है। यहाँ पर इन्होंने अपने Q3 के बिजनेस अपडेट्स जारी किए हैं और नंबर जो है वो काफ़ी अच्छे आते हुए नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं आंकड़ों की बात करूँ तो वहाँ पर जो डिपॉजिट ग्रोथ है इनका वो 25% बड़ा है, जो कि पिछली 7 तिमाहियों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रहा है। तो ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया आंकड़ा HDFC बैंक के लिए आ रहा है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, 20% का कैगर पिछले 10-12 सालों HDFC बैंक देता आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी है वो Q3 में भी आती हुई नजर आ रही है। साथ ही इनका जो एडवांस ग्रोथ है वो भी 20% से ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो बिजनेस अपडेट आ रहे हैं HDFC बैंक के लिए वो काफी पॉजिटिव, आज के सत्र में जो निफ्टी की रिकवरी एक्सपेक्टेड है उसमें HDFC बैंक भी पार्टिसिपेट कर सकता है और Q3 का अपडेट तो डेफिनेटली है। तो HDFC बैंक इसीलिए आपको खरीदने की राय दी जा रही है, 1275 का लक्ष्य रखना है इसमें और 1230 का स्टॉप लॉस बनाकर चलना है। इसके अलावा एक और कंपनी ITI, यहाँ पर इनके नंबर्स जो हैं वो काफ़ी शानदार आए हैं। Q3 के जो नंबर्स इनके आए हैं उसमें काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर मैं मुनाफे की बात करूँ तो 13.5 करोड़ से बढ़कर अब इनका मुनाफा जो आया है 168 करोड़ का आया है। तो एक सिग्निफिकेंट स्पाइक आपको मुनाफे में इनकी देखने को मिली है और साथ ही इनका जो कामकाजी मुनाफा है वो भी घाटे से मुनाफे में आता हुआ नजर आया है। तो ओवरऑल जो नंबर्स हैं ITI के लिए बेहद शानदार रहे हैं, Q3 के नतीजों का आगाज इस कंपनी ने किया है और बेहद अच्छे आए हैं। तो इसीलिए इसमें आपको खरीदारी करके चलनी है, 100 रुपए का एक ऑप्टिमिस्टिक लक्ष्य लगा के चल रहे हैं हम और 89 का स्टॉप लॉस बनाइए। अगला स्टॉक है GM ब्रिवरीज, आज इस कंपनी के नतीजे आएंगे और आप देखिए कि लिकर कंपनी इसके लिए जो दूसरी तिमाही थी यानी पहली वाली जो तिमाही थी इससे पहले वो काफ़ी कमज़ोर रही थी। कारण रहा था कि बोतलों की जो कीमती थी, जो ग्लास की कीमतें थी और एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल की जो कीमतें थी वो काफ़ी उछाल पर थी, इसका असर लिकर कंपनीज के मार्जिन पर देखने को मिला। लेकिन अब इस बार ऐसा माना जा रहा है कि थोड़ी जो स्थिति है वो सुधरती हुई नजर आएगी, रॉ मटेरियल फ्रंट पर थोड़ी सी जो खर्चों में कमी होगी उससे मार्जिन में बढ़त देखने को मिल सकती है। साथ ही आप देखिए कि दिसंबर तिमाही जो होती है ना वो लिकर कंपनीज के लिए काफ़ी बढ़िया होती है क्योंकि देखिए एक तो न्यू ईयर का मौका आता है, साथ ही क्रिसमस होता है तो लगातार जो खपत होती है खपत काफ़ी बढ़िया होती है। तो GM ब्रिवरीज में ऐसा माना जा रहा है, हालांकि टेक्निकली अगर आप देखें तो स्टॉक जो है साइडवेज है, लेकिन अगर
यहाँ पर नतीजे बढ़िया आते हैं तो हो सकता है कि ट्रेंड को पकड़ लेगा और स्टॉक आपको बढ़िया उछाल दिखा सकता है। कल 409 के आसपास की क्लोजिंग है, आप 421 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे, 402 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला नाम है मेरी सूची में गोदरेज एग्रोवेट, और कारण है कि देखिए काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न देखा जा रहा है डेली चार्ट पर। अगर आप देखें तो लंबी गिरावट के बाद यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। हालांकि इनवर्स हेड एंड शोल्डर स्पॉट करना इतना आसान नहीं है, इतना पिक्चर परफेक्ट नहीं है, लेकिन पैटर्न लंबे समय का है, इसके लिए मेरा भरोसा बना हुआ है स्टॉक के ऊपर गोदरेज एग्रोवेट पर। और कल के बाजार में भी अगर आप देखें तो काफी दूसरे स्टॉक्स थे वहां पर काफी गिरावट देखने को मिली थी, एक सेलिंग प्रेशर था, खुलकर चल नहीं पा रहे थे स्टॉक्स, लेकिन गोदरेज एग्रोवेट देखे करीब 1.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। इसके साथ मेरा भरोसा है क्योंकि आज बाजार में थोड़ी सी रिकवरी एक्सपेक्टेड है, तो ये अपना जो मूव है इसे कंटिन्यू करते हुए नजर आएगा, और जो पैटर्न है पैटर्न के ऊपर ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, तो यहाँ पर आपको जरूर तेजी देखने को मिलेगी। गोदरेज एग्रोवेट में आज के सत्र में आप खरीदारी करके चल सकते हैं 545 रुपए के लक्ष्य के लिए, 528 के आसपास की क्लोजिंग है, आपको 512 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए मेरी सूची में अगला जो स्टॉक है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी से है HPCL। यहाँ पर मैं खरीदारी की राय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कल के सत्र में अगर आप देखेंगे तो 7-8% की गिरावट इस स्टॉक में हमें देखने को मिली थी, क्योंकि ओवरऑल यूएस ईरान के बीच में जो टेंशन चल रहा था और साथ साथ जो क्रूड में उबाल था वो कहीं ना कहीं इसको इसकी गिरावट को इंटेंसिफाई करता हुआ नजर आया था। पर अब लग रहा है कि HPCL और साथ साथ ओवरऑल जो मार्केट का मोमेंटम अब रिकवरी की तरफ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, यहाँ पर करीब 2-3% का उछाल आज के सत्र में आपको देखने को मिल सकता है, और इसी वजह से HPCL आज मेरी बाइंग सूची में है। यहाँ पर 252 के लक्ष्य के साथ आपको खरीदारी करनी है और 242.50 रुपए का स्टॉप लॉस बनाकर चलना है। एक और ऑयल मार्केटिंग कंपनी मेरी तरफ से है IOC। इसी तर्ज पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि IOC में भी आज एक शार्प पुलबैक आपको आता दिख सकता है, और ओवरऑल जो सेंटीमेंट है मार्केट के लिए वो पॉजिटिव बना हुआ है, तो IOC में अभी आपको खरीदारी करके चलनी है, 128 के लक्ष्य के साथ ट्रेड करिए और 123.50 रुपए का स्टॉप लॉस बनाकर चलिए। पांचवा स्टॉक है मेरी सूची में NIIT टेक। डेली चार्ट पर अगर आप देखें तो पैटर्न काफी शानदार है, देखिए बहुत स्ट्रेंथ नजर आ रही है टेक्निकली, जितने भी इंडिकेटर्स हैं यही इशारा कर रहे हैं कि NIIT टेक में जो तेजी देखने को मिल रही है वो तेजी जारी होती नजर आएगी। देखें तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है ये स्टॉक, और वहां से लगातार तेजी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर 1683 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको इसमें खरीदारी करनी है, करीब 1647 के आसपास की क्लोजिंग है इसकी, और मुझे लग रहा है कि आज ये काफी बढ़िया इंटरेस्टिंग मूव देगा, 1630 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए पांचवा स्टॉक मेरी तरफ से है स्पार्क सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी। यहाँ पर कहीं ना कहीं अब आगे एक्सपेक्टेड है कि NDDS की तरफ से एक अप्रूवल आ सकता है एक बड़े ड्रग के लिए, तो एक्सपेक्टेशंस जो है इसमें बिल्डअप होती हुई नजर आ रही है, और पॉजिटिविटी जो है वो स्पार्क में आपको आगे आने वाले समय में आती हुई नजर आ सकती है, तो इसी वजह से स्पार्क मेरी सूची में एक बाइंग कैंडिडेट है, तो इसको खरीदारी करके चलिए, 167 का टारगेट रखिए और 158 का स्टॉप लॉस। तो चलिए 10 स्टॉक्स की सूची पूरी होती है, जल्दी से रिकैप देख लेते हैं। मैंने आपको पांचों स्टॉक्स खरीदारी के बताए थे और शुरुआत की थी मैंने डिक्सन टेक के साथ। यहां पर कंपनी वन प्लस के साथ करार कर रही है, इसका असर देखने को मिलेगा, 4100 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। एस्टर डीएम की 9 जनवरी को बोर्ड बैठक है, यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं 175 रुपए के लक्ष्य के लिए। जीएम ब्रिवरीज के आज नतीजे आने, हो सकता है यहां पर उछाल देखने को मिले, 421 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। गोदरेज एग्रोवेट काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न देखा जा रहा है, 545 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे, और NIIT टेक टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। चलिए मेरी सूची में पहला स्टॉक मैंने आपको बताया था HDFC बैंक। यहाँ पर Q3 बिजनेस अपडेट जो आए हैं इनके बेहद शानदार आए हैं, इनफैक्ट डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो पिछले 7 तिमाहियों से भी ज्यादा ग्रोथ दिखाया है, तो यहाँ पर खरीदारी की राय है। साथ ही ITI के नंबर जो है वो काफी सिग्निफिकेंटली अच्छे आए हैं, मुनाफा 13 करोड़ से बढ़कर 168 करोड़ आया है कंपनी का, तो काफी सिग्निफिकेंट अपसाइड यहाँ पर भी आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो कल के सत्र में भारी गिरावट के साथ बंद हुए थे, एक शार्प बाउंस बैक यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, खासकर उन स्टॉक्स में जिसमें सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई थी। इसके अलावा स्पार्क यहाँ पर एक मेजर ड्रग के लिए इनको अप्रूवल मिल सकता है, तो इसीलिए स्पार्क को आपको खरीदारी करने की राय दी जा रही है। चलिए सूची को आगे बढ़ाते हैं, और मेरी सूची में एकमात्र अब एक ऐसा स्टॉक बचा है जहां पर खरीदारी करनी होगी, नाम है CDSL का। देखिए थोड़ा सा साइडवेज है स्टॉक, लेकिन सपोर्ट के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली, कल के सत्र में भी हमने देखा था यहां पर गिरावट देखने को मिली। आज क्योंकि बाजार में एक रिकवरी एक्सपेक्टेड है, तो ऐसे जो स्टॉक्स जो फंडामेंटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होते हैं वहां पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाउंस देखने को मिल सकता है।
2-2.5% की तेजी में एक्सपेक्ट कर रहा हूं सीडीएसएल में आते हुए नजर आएगी। 253 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे और 234 केवल 6 रुपए नीचे का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही अगला नाम है बिकवाली का डीएलएफ, यहां पर बिकवाली करनी होगी। ऐसा नजर आ रहा है स्टॉक को देखकर कि ऊपरी स्तरों पर अब ये टिक नहीं पा रहा है और यहां पर एक गिरावट ड्यू है, गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि देखिए कल के सत्र में भी जो गिरावट आई थी उसके बाद कहीं ना कहीं एक सेल ऑफ ट्रिगर हो सकता है। आप यहां पर शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं आज के सत्र में 215 रुपए के लक्ष्य के लिए और 224 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए मेरी सूची में अगले जो दो कॉल्स हैं ये कल के सत्र में मैंने आपको शॉर्ट बताए थे पर आज उन पर लॉन्ग है क्योंकि कहीं ना कहीं रिकवरी मोड जो है मार्केट का और मोमेंटम जो है वो काफ़ी पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है और जीडीपी के एडवांस डेटा एस्टिमेट्स भी ये बता रहे हैं कि 5% से नीचे जीडीपी आने की संभावना कम नजर आ रही है, सर्वेज ऐसा बता रहे हैं। तो ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव रह सकता है, इसी वजह से वेदांता जो कल 4.5% गिरा था यहां पर आपको पॉजिटिविटी बनाकर चलनी होगी। 155 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी कीजिए और 148.50 का स्टॉप लॉस बनाकर चलिए। इसके अलावा एक और स्टॉक SBI, यहां पर भी मैंने आपको बिकवाली की राय दी थी कल के सत्र में और ये स्टॉक सरप्राइजिंगली 4.5% गिरता हुआ नजर आया था। तो ये जो मूव है कल जो आया है वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्टेड है आज के सत्र में, तो इसी वजह से SBI भी आज मैंने बाय सूची में शामिल किया है। 329 के लक्ष्य के साथ आप इसमें भी खरीदारी कीजिए और 315 का स्टॉप लॉस बनाइए। अगला स्टॉक है मेरी सूची में कॉन्कर, कल भी मैंने स्टॉक आपको बताया था, कारण है इसका टेक्निकल सेटअप अगर आप देखें तो बहुत कमजोर नजर आ रहा है और आज के सत्र में भी हो सकता है कि ऊपरी स्तरों से स्टॉक फिसल जाए, थोड़ी सी ऊपर की ओपनिंग दे तो वहां पर आप शॉर्ट कर लीजिएगा। 550 रुपए के लक्ष्य को ध्यान में रखिए, 568 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला नाम है ACC, यहां पर बिकवाली करनी होगी, कारण यह स्ट्रक्चर काफी वीक नजर आ रहा है। डेली चार्ट, वीकली चार्ट पर अगर आप देखें तो आपको एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न नजर आएगा, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के नीचे ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी, यहां पर आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। आज के सत्र में 1400 रुपए के लक्ष्य को ध्यान में रखिएगा, 1450 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए मेरी सूची में अगला खरीदारी का ही कॉल है LNT, इसमें खरीदारी करके चलनी है क्योंकि HSBC की अब इंफ्रा पर रिपोर्ट आ रही है और वो ये मान के चल रहे हैं कि जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लेकर आएगी सरकार 2025 तक के लिए, उसमें LNT सबसे बड़ा बेनिफिशियरी साबित हो सकता है और ओवरऑल जो मोमेंटम है वो काफी अच्छा लग रहा है। 1790 के लक्ष्य सुझा रहा है HSBC, तो LNT में इसीलिए खरीदारी की राय है। 1356 का टारगेट रखिए और 1303 का स्टॉप लॉस बनाकर चलिए। इसके अलावा एक और स्टॉक मेरी सूची में कैनरा बैंक का, PSU बैंक्स में ये सबसे ज्यादा गिरने वाला स्टॉक था, कल के सत्र में 6.5% की गिरावट आपको कैनरा बैंक में देखने को मिली थी, तो कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक जो है इसमें भी एक्सपेक्टेड है, तो इस वजह से ही इसको आप खरीद कर चले आज के सत्र के लिए। 213 का लक्ष्य रखिए और 205 का स्टॉप लॉस बनाइए। आखिरी स्टॉक है मेरी सूची में अपोलो हॉस्पिटल्स, यहां पर आपको बिकवाली करनी होगी। स्टॉक देखिए ऊपरी स्तर ऊपर टिक नहीं पा रहा है, यहां पर सेल ऑफ देखा जा रहा है और स्टॉक ने काफी बढ़िया रन भी दिखाया हाल ही के दिनों में, यहां पर आज बिकवाली करने की अपॉर्चुनिटी है। 1445 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें शॉर्ट पोजीशन लेंगे और 1475 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए मेरा आज का आखिरी स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट, कल बाजार का जो गिरावट का मोमेंटम था उस चक्कर में जो पॉजिटिव खबर थी इसमें वो डिस्काउंट होती हुई नहीं नजर आई थी। कहीं ना कहीं जो सीमेंट की कीमतें इन्होंने गुजरात में बढ़ाई है, सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है कि इन्होंने 15 रुपए प्रति बोरी जो है गुजरात में अपनी सीमेंट की कीमतों को बढ़ाया है, तो कल 1.5% गिरा था, आज पॉजिटिव मोमेंटम की वजह से अल्ट्राटेक में भी बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, तो इसको भी आपको खरीद कर चलना है। 4276 का टारगेट रखना है और 4110 का स्टॉप लॉस। तो चलिए जल्दी से रिकैप देख लेते हैं, मैंने शुरुआत की थी डिक्सन टेक के साथ, यहाँ पर आज 4100 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही एस्टर डीएम में डेली चार्ट पर राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है और अब खबर आ रही है कि 9 जनवरी को कंपनी की बोर्ड बैठक है जहां पर बायबैक को लेकर चर्चा होगी, इसका भी असर देखने को मिलेगा। जीएम ब्रीवरीज के आज नतीजे आएंगे, 421 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। गोदरेज एग्रोवेट में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न देखा जा रहा है, 545 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। NIT टेक में ट्रेड सेटअप काफी बढ़िया लग रहा है, हो सकता है आप पे तेजी देखने को मिले, 1683 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। साथ ही CDCL कल के सत्र में सपोर्ट के आसपास की क्लोजिंग है, यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। DLF काफी वीक नजर आ रहा है, यहां पर शॉर्ट पोजीशन लेंगे। कॉन्कोर का स्ट्रक्चर भी देखिए काफी कमजोर है, यहां पर बिकवाली करने की अपॉर्चुनिटी है और ACC में एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न देखा जा रहा है, 1400 रुपए तक ये स्टॉक फिसल सकता है। अपोलो हॉस्पिटल्स भी वीक नजर आ रहा है, यहां पर आप शॉर्ट पोजीशन लेंगे। मेरी सूची में सारे ही खरीदारी के स्टॉक्स थे जिसमें HDFC बैंक जो है, यहाँ पर Q3 बिजनेस अपडेट बेहद पॉजिटिव आए हैं, डिपॉजिट ग्रोथ खासकर 25% का काफ़ी जो है पॉजिटिव दिख रहा है HDFC बैंक के लिए। साथ ही ITI के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी शानदार आए हैं, मुनाफा इनका काफ़ी बढ़िया बढ़ता हुआ नजर आया है, तो यहाँ पर भी आपको खरीदारी की राय है। साथ ही OMCs जो कल के सत्र में काफ़ी गिरावट के साथ बंद हुए थे, HPCL और IOC में एक शार्प बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, 2-3% की बढ़त यहाँ पर देखी जा सकती है। साथ ही स्पार्क, यहाँ पर
एक मेजर ड्रग के लिए इनको अप्रूवल मिल सकता है, तो इस पर भी नजर बनाई रखिए और इसमें खरीदारी करिए। इसके अलावा और जो स्टॉक्स मैंने आपको रेकमेंड किए थे उसमें दिग्गज निफ्टी कंपनियां जैसे वेदांता, SBI, L&T, इन तीनों में आपको खरीदारी करने की राय दी जा रही है, क्योंकि इनमें भी जो निफ्टी का मोमेंटम है आज रिकवरी मोड में आ सकते हैं और कल जो गिरावट थी वो उसको बीट कर सकता है और इसीलिए यहां पर पॉजिटिविटी बिल्डअप दिख सकता है। और साथ ही कैनरा बैंक कल के सत्र में ये 6.5% टूटा था, तो यहां पे भी एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। और अल्ट्राटेक सीमेंट, जो सीमेंट की कीमतें गुजरात में इन्होंने बढ़ाई है जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उस वजह से अल्ट्राटेक सीमेंट आज फोकस में रह सकता है। तो चलिए कुल मिलाकर हमने आपको 16 स्टॉक्स खरीदारी के और 4 स्टॉक बिकवाली के बताए। उम्मीद है हमारे बताए गए स्टॉक्स आपके ट्रेडिंग सत्र में काम आएंगे। फास्ट मनी में आज के लिए इतना। नमस्कार।